मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैं अयोध्या दौरे पर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आगमन वाली जगहों का कर रहे हैं स्थलीय निरीक्षण। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों पर कहा नए कानूनों ने सजा की बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया है। दंड विधान से न्याय विधान तक एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक। पंडित जसराज के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर भारतीय डाक विभाग ने जारी किया डाक टिकट। अमित शाह ने कहा पंडित जसराज ने 8 दशक तक भारतीय संगीत को भारत और विश्व के सभी संगीत प्रेमियों के लिए चिरंजीवी बनाया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस ने देश को 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया हटाने का नहीं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर खड़ा किया सवाल कहा जो लोग 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय नहीं दिला सकी वो कैसे दूसरों को न्याय दिला सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ की बैठक दोनों के बीच रणनीतिक साझेदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। उन्होंने कहा सेना को ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भारतीय नागरिक को ठेस पहुंचे। लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी। अभिनेता और डीएमडीके प्रमुख कैप्टन विजयकांत के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म में उनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीता। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उन्हें 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं मिला न्योता। हालांकि हम खुश हैं कि मंदिर बन रहा है जिसके लिए बहुत लोगों ने कहा। राम मंदिर पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया पलटवार कहा सैम पित्रोदा इस देश की भावनाओं को कितना समझते हैं। वे विदेश में रहते हैं और विदेशी तरीके से सोचते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े केस की चार्जशीट में किया गया दर्ज। ईडी ने बताया प्रियंका गांधी ने दिल्ली के रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में खरीदी जमीन। कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यूपी सरकार ने बसों के संचालन के संबंध में जारी किए निर्देश। विजिबिलिटी कम होने पर न चलाएं बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में 4 कॉरिडोर का भी करेंगे शुभारंभ। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या जनपद के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम किए जाने का उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। कहा रेल मंत्री ने उठाया है सही दिशा में कदम। इस फैसले का मैं करता हूं स्वागत। भगवान श्री राम लला मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा बहुत दिन से थी इसकी मांग। अखिल भारतीय संत समिति ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मांग। कहा प्राण प्रतिष्ठा पर किया जाए सार्वजनिक अवकाश। अयोध्या में 84 कोशी परिक्रमा क्षेत्र को मद्य निषेध क्षेत्र किया जाएगा घोषित। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा क्षेत्र में सभी शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शिलापट को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब इन विकास शिलापट पर अधिकारियों का नाम लिखने पर पूरी तरह रोक लगा दी। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे दिल्ली। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार पार्थी सेन शर्मा और पी गुरु प्रसाद मौजूद। प्रदेश के 70 ईट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बोर्ड ने सभी ईट भट्टों पर 27 करोड़ 56 लाख 31 हजार रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का लगाया जुर्माना।